टेक पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों बोट अपना एक नया नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स बोट रॉकवॉच 260 को इंडियन मार्केट में 5 जून को लॉन्च करने जा रहा है। यहाँ पर ऐसे रूमर्स है इसकी जो प्राइस होने वाली वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगी। लगभग यहाँ पे ऐसा रूमर था कि अंडर 1000 में ये वाला नेकबैंड आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, इसे बैटरी बैकअप वगैरह क्या होगा, कॉल क्वालिटी आपको इसमें कैसी मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी कैसे मिलेगी, किस कलर ऑप्शन में मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। बाकी अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों डिटेल्स में बात करते हैं इसी बोट रॉकवॉच 260 नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो लॉन्चिंग है 5 जून को होने वाली है, और रूमर्स ये थे कि इसकी प्राइस 799 देखने को मिलेगी। मतलब इसकी जो इंट्रोड्यूसिंग जो प्राइस होगी, जो लॉन्च प्राइस होगी, वो 800 रुपये होगी, और एक या दो सेल के बाद इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, लगभग 1000 रुपये के आसपास हो जाएगी। बाकी अब जो ये लॉन्च होगा उसके बाद ही इसकी प्राइस कंफर्म पता चलेगी। अब इसके फीचर्स पर नज़र डालें तो इसमें आपको 25 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एसएफ चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। इसको आप 10 मिनट चार्ज करेंगे उसके बाद 10 आवर्स का इससे बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। अब यहाँ पे साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 10mm के बड़े ड्राइवर्स मिल जाएंगे, और डीप बेस के क्वालिटी के साथ, मतलब बेस भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कॉलिंग के लिए इसमें आपको एनएक्स टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मतलब जो कॉल क्वालिटी होगी ना वो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। शोर वगैरह आपके आसपास है वो कैंसिल हो जाता है, तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी वो इंक्रीज हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉलिंग इससे हो जाती है। अगर गेमिंग की बात करो तो यहाँ पे आपको बीस्ट मोड मिल जाता है 65 ms लो लेटेंसी मोड के साथ। मतलब गेमिंग आपकी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, जो ऑडियो वीडियो सिंकिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मतलब ऐसा होता ना कभी कभी किसी भी नेकबैंड या TWS में उसमें वीडियो प्ले हो जाता है, उसकी आवाज़ आपके कान में बाद में आती है, तो ऐसा इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस स्विच रेजिस्टेंस भी ये वाला मिल जाता है, और डुअल पेयरिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो ये वाला जो नेकबैंड ब्लूटूथ है ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साबित होगा। अगर इसकी प्राइस सच में ही 799 होती है, मतलब 800 रुपये, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस होगी। जो फीचर्स वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें मिल जाते हैं। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वाला नेकबैंड कैसा लगा, जब लॉन्च होता है तो आप लोग इसको परचेज करना चाहोगे या फिर नहीं, या इससे रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन हो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।